नमस्कार बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 9वीं के लिए देखो, हम पिछले जो दो चार वीडियो देखे हुए हैं उसमें हमने कह कबीरा इस कविता का अध्ययन करना शुरू किया था। उसमें हमने कविता की जो विधा है कुंडली, उसका निर्माण कैसे होता है उसकी भी जानकारी ली थी। गिरधर जी के बारे में भी जानकारी ली थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, किस हिसाब से हुआ है, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, इसकी जानकारी पिछले जो चार वीडियो है उसमें हमने देखी हुई थी। उसके साथ साथ हमने छोटी छोटी कुंडलियां ली थी, कुंडली का निर्माण कैसे होता है वह भी देखा हुआ है। और पिछली जो कुंडली देखी थी यानी पार्ट चार में हमने देखा है, पार्ट पांच है जो पार्ट चार है उसमें भी कौन सी कुंडली का अध्ययन किया था, वो कुंडली थी कि ऋण उधार लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं यानी पैसे उधार लेते वक्त तो बड़े अच्छे अच्छे तरीके से बातें करते हैं, और जब देने का समय आता है तो बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, और कभी कभार हमें हमारा जो लिखा हुआ कागज है वो झूठा है ऐसे कहते हैं। इसके द्वारा कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि आज समाज में कैसी स्थिति है। आज समाज में बहुत सारे लोग स्वार्थी हो गए हैं, हमें व्यक्तियों को पहचानने के लिए आना चाहिए, इसकी जानकारी जो है उस कुंडली में हुई थी। अब आगे वाली जो कुंडली है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं, देखो कोई भी काम करते वक्त सोचते नहीं है, चलो कर देते हैं, और करने के बाद कभी कभार हमारे जीवन में असफलता आती है या वो काम करने के बाद कोई असफलता आती है तो सभी लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। तो उस वक्त हंसने के बाद हमारे मन को बहुत बुरा लगता है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था, फिर माँ को कहते हैं खाना खा लो ये कर लो, तो उस वक्त हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हम उदाहरण के तौर पर देखो, मैंने काम करने का ठान लिया था वो करने के लिए चला जाए और उसका परिणाम क्या होगा वो पता नहीं है। मैं एक जगह पर मैंने पैसे डाल दिए और पैसे डालने के बाद मुझे लग रहा था कि अरे एक दो साल में क्या हो जाएंगे, उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो घर वाले कह रहे थे अरे मत डालो, फिर भी उसने वो डाल दिए, और डाल देने के बाद एक छह महीने के बाद ही पता चला कि वो जो पैसे जिस कंपनी में डाले थे उसने वो सब कुछ डूब गई है। तो ये सोचने के बाद उसे बुरा लगता है। तो घर वाले कह रहे थे कि अरे उसके परिणाम के बारे में पहले सोचो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है जो खुद का स्वार्थ देख के और पैसे लेकर गायब हो जाते, उस वक्त मैंने परिणाम के बारे में नहीं सोचा। तो वो हो जाने के बाद मुझे बेहद बुरा लगा, सब लोग हंसने लगे, अरे देखो इसके इतने पैसे चले गए उस कंपनी में डाले हुए थे। तो वह हो गया, तो उसके बाद मेरे मन को बेहद ही दुख हो गया। दुख होने के बाद कोई मुझे कहता था अरे चलो इस कार्यक्रम के लिए जाते उस कार्यक्रम के लिए जाते, तो उस वक्त मेरा मन ही नहीं लगता था क्योंकि जो मैंने काम किया है बिना सोच विचार किए हुए उसका परिणाम जो है पूरा हो गया है, इसलिए लोग हम मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो मन हमारा हर वक्त तो दुखी रहता है। तो गिरिधर कबीरा यही कहते हैं कि जो भी आप काम करोगे उसके पहले परिणाम के बारे में सोचो, यदि परिणाम अच्छा होगा तो काम करते जाओ, तो कोई भी लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं। आगे की कुंडली है तो वही उसमें आपको बता दिया गया है, जो भी हम काम करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचो, यानी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो परिणाम क्या आना चाहिए कि मुझे अच्छे अंक मिलने चाहिए, अच्छी तरीके से मैं पास होना है, ये देखकर आप यदि मेहनत करोगे तभी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। अपने परिणाम के बारे में सोचा नहीं है, किताब कोई भी लगी हाथ में वो पढ़ना शुरू कर दिया गया तो कुछ नहीं, अंक अच्छे नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ आपका नतीजा भी अच्छा नहीं आ जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं जो भी हम काम करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचना चाहिए, यदि परिणाम अच्छा होगा तो कोई भी हमारे ऊपर हंसेगा नहीं, हमारे मन को शांति मिल जाएगी, हमारे मन को दुख नहीं होगा। यदि हम कोई भी काम करते और परिणाम के बारे में सोचते नहीं है तो सभी लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा हमारे मन को भी दुख हो जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य जो भी काम करोगे तो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचो, यदि परिणाम अच्छा होगा तो वो काम कर लो, यदि परिणाम अच्छा नहीं होगा तो उसके बारे में पहले सोचो और फिर क्या कर लो कि वो काम कर लो। समझ में आ गया। आगे हम जो कुंडली देखने वाले हैं तो उसमें क्या क्या बता दिया गया है, एक अच्छी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक परिवार में एक माता रहती थी और उसका एक छोटा बच्चा था, उसके परिवार में और कोई नहीं था, उसका पति जो था वह 5-6 महीने पहले गुजर चुका था। तो उस घर में वह पत्नी यानी कि उनकी पति तो गुजर गया है, वह महिला और उसका बच्चा रहता था। तो उनके घर में उन्होंने एक नेवले को पाल के रखा था। नेवला कुछ इस हिसाब से होता है, देखो आपने देखा हुआ है कुछ इस हिसाब से होता है नेवले को, आपने देखा हुआ है
करते हैं मराठी में, कुछ इस हिसाब से होता है। नेवलो के नेवले को उसने पाल के रखा हुआ था, तो उसके घर में कोई भी नहीं था, वो गांव के बेहद बाहर रहती थी, तो पानी लाते वक्त उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो बच्चा भी उसका छोटा था, 8-9 महीने का था, तो वो क्या करती थी कि बच्चों को अपने घर में रखती थी और कोई पानी लाना हो, कोई काम करना हो तो वहां पर निकल कर जाती थी। लेकिन समस्या रहती थी कि वो बच्चों को, बच्चा भी सोता है तो उस वक्त वो जाती थी, लेकिन बच्चा जाने के बाद कोई भी उसके पास आ जाए या कोई उसे लेने के लिए आ जाए तो कौन उसका संभाल करेगा। इसलिए उनके घर में उन्होंने एक नेवले को पाल के रखा था। तो नेवला भी बेहद तो अच्छी तरीके से काम, ईमानदारी से काम करता था। मालकिन अपनी बाहर गई है तो बच्चे को अच्छी तरीके से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वह लेता था। एक दिन ऐसे ही वह जो औरत है वह पानी लाने के लिए बाहर जाती है, उस वक्त उसका बच्चा जो था वो घर में सो रहा था। तो उस वक्त वो महिला जो है उस नेवले को कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, तब तक बच्चे के ऊपर ध्यान देना, यदि जाग जाता है तभी भी उसके ऊपर ध्यान देना। नेवला जो है वो अच्छी तरीके से अपना काम करना शुरू कर देता है। महिला पानी लाने के लिए जाती है, पानी जिस जगह से वह ला रही थी वहां पर थोड़ी भीड़ होती है, इसलिए वो वहां पर रुकती है। तो उसके हाथ में बहुत बड़ा घड़ा था, वो लेकर वह गई थी। तो कुछ समय के बाद समय बीतता चला जाता है और एक बहुत बड़ा सांप जो है वहां से रेंगता रेंगता हुआ उस बच्चे के पास आ जाता है। उस वक्त ये जो नेवला जो है वहां पर होता है, नेवला सांप को देखता है, सांप को देखता है जैसे ही उसे लगता है कि अब ये जो सांप जो है छोटे बच्चे को डस लेगा, इसलिए नेवला उसके ऊपर सांप के ऊपर आक्रमण कर देता है। और सांप के ऊपर आक्रमण कर देता है, सांप अपनी तरीके से कोशिश करता है नेवले को मारने की, नेवला अपनी तरीके से कोशिश करता है अपने नुचीले दांतों के द्वारा, पहने दांतों के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और यह जो युद्ध जो है दोनों का, नेवला और सांप का, बहुत समय तक चलता रहता है और अंत में नेवले की जीत हो जाती है। नेवला जो है सांप का जो सिर जो है काटने में सफल हो जाता है, और सफल हो जाने के बाद उसका जो खून जो है उस नेवले के पूरे मुंह पर लग जाता है। तो अंदर सांप जो है वो कटा हुआ जो है कुछ इस हिसाब से वो कटा हुआ दिखाई देता है, वहां पर गिरा हुआ छोटा बच्चा वहां पर खेलता हुआ नजर आता है। नेवले को लगता है कि अरे मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से काम किया है, मेरी जो मालकिन आ जाएगी मुझे देखकर बेहद खुश हो जाएगी। इसलिए वो घर के बाहर आकर नेवले को नेवला बाहर आता है और मालकिन को देखता हुआ नजर आता है। मालकिन कब आ जाएगी, कब आ जाएगी, यह राह देखता है, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से बहादुर की तरह सांप का मुकाबला किया है और बच्चे की रक्षा की है। इसलिए उसे लगता है कि अरे नहीं, मुझे अब मालकिन जो है जब आ जाएगी उस वक्त तो मुझे बड़ा प्यार से अपने पास ले लेगी, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। कुछ समय के बाद मालकिन जो है घड़ा पानी का लेकर वह आती है। तो आने के बाद वो घर के सामने देखती है तो नेवले के पूरे मुंह पर खून लगा हुआ है। वो बिना सोच विचार किए उसे लगता है कि अरे नहीं, इस नेवले ने अब क्या किया हुआ होगा, मेरे बच्चे का जो खून जो है वो पिया हुआ होगा। इसलिए वो अपने सिर के ऊपर जो पानी का घड़ा है उसे उठाकर नीचे उस नेवले के शरीर पर फेंक देती है। जैसे ही नेवले के शरीर पर फेंक देती है, नेवला जो है वही का वही मृत्युमुखी हो जाता है, यानी कि वह मर जाता है। उसके शरीर के जो हिस्से जो है गिर जो है वह तहस नहस हो जाते हैं, इतनी जोरदार तरीके से उसने अपने मटका जो है उसके शरीर के ऊपर पटक दिया था। वो पूरा खून होता है, खून वहां पर दिखाई देता है। तो वह छोड़कर माँ दौड़ती दौड़ती हुई बच्चे को देखने के लिए जाते है। वो जो दृश्य है वह देखने के बाद उसे पछताना होता है, क्योंकि वह देखती है कि बच्चा जो है बड़े अच्छी तरीके से खेल रहा है, उसके बगल में एक सांप जो है, सांप के दो टुकड़े हुए हैं, उसका सिर एक जगह पर गिरा हुआ है और धड़ जो है शरीर का एक जगह पर गिरा हुआ है। ये देखने के बाद महला जो है वह बड़ी पछताने लगती है। उसे लगता है कि अरे मैंने कोई सोच विचार नहीं किया और क्या किया कि नेवले को मार डाला, लेकिन नेवले ने तो क्या की थी, उस बच्चे की रक्षा की थी। सांप जब आक्रमण कर रहा था उस वक्त नेवले ने ही उसे बचाया था। तो उस वक्त वो कहते कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोच विचार किए क्या हो गया कि यह कार्य हो गया, नेवला मर गया। और उसके बाद उसके मन में
वो बेहद दुख होता है, बगल बगल के लोगों को बता देती है तो लोग भी हंसते हैं, कहते हैं कि क्या आपका दिमाग है, आपने सोचा नहीं कुछ नहीं, और तुरंत ही नेवले के ऊपर अपने शरीर में जो मटका हुआ था सिर पर वो उसके ऊपर पटक दिया। तो सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं, तो उसे बेहद दुख होता है। कोई भी काम करते वक्त मन अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही दिन उसके निकल जाते हैं। ये कहानी बताने का तात्पर्य यही है कि कोई भी हम यदि काम करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में भी सोचते नहीं है, तो हमें पछताना पड़ता है। उस महिला को पछताना पड़ा या नहीं रे, वो यदि जाकर घर में देखती कि मेरा बच्चा है या नहीं क्या है, तो उसे वो समझ में आ जाता था कि उसका परिणाम क्या हुआ है, यानी कि क्या नतीजा हुआ है। फिर वो अपने नेवले को भी बचा पाते, लेकिन उसने परिणाम के बारे में सोचा नहीं, बिना सोच विचार किए हुए तुरंत ही मटके को पटक दिया और क्या हो गया, वो जो नेवला जो है वो मर गया। यानी कि वैसे ही हमारे जीवन में होता है। देखो कभी कभार हम परिस्थिति को देखते नहीं है, समझते नहीं है, तुरंत ही रिएक्शन दे देते, उसका परिणाम क्या होगा ये पता नहीं होता, और बाद में उसका परिणाम आता है तो हम बेहद दुखी होते हैं, तो उस वक्त हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो इस कुंडली में वही बता दिया गया है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचो, यदि परिणाम अच्छा होगा तो काम कर लो, नहीं होगा तो उसे छोड़ दो। यदि ऐसा करोगे तो जग आपके ऊपर हंसेगा नहीं, आपका काम जो है बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो ये जो कुंडली है उसमें कौन कौन से शब्द आ गए, देखो बिगाड़ यानी कि बिगड़ना, बिगाड़ यानी कि बिगड़ना, कोई भी हम काम करते हैं तो वह बिगाड़े हो जाते हैं कि बिगड़ जाता है, कब, जब हम उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते। पछताए यानी कि पछताना, पछताए यानी कि पछताना, यानी कि यदि हम परिणाम के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। जो मैंने दो सामने शब्द दिए हुए है वो अपनी कॉपी में लिख कर ले लो, जल्दी जल्दी करो। चलो बच्चों, अपने शामपट पर जो मैंने लिखकर दिया था वह लिखकर ले लिया हुआ होगा। अब हम कुंडली का अर्थ देखते हैं शब्दों के हिसाब से। देखो आपके सामने कुंडली दी हुई है, देखो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि बिना सोच विचार किए हुए जो काम करता है सो पाछे पछताए। पाछे यानी कि क्या रे, बाद में। पछताए यानी कि पछताना, यानी कि बिना सोच विचार किए हुए जो काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। समझ में आ गया, यानी कि पहली पंक्ति का क्या अर्थ है रे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि बिना विचार किए हुए या बिना परिणाम के विचार किए हुए जो काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। समझ में आ गया पहली पंक्ति का अर्थ। आगे की पंक्ति देखो, काम बिगारे अपनो जग में होत हसाय, काम बिगारे अपनो जग में होत हसाय। बिगारे यानी कि क्या रे, बिगड़ना। यदि बिना विचार किए हुए काम करता है उसे पछताना पड़ता है, उसका काम पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, और जग में होत हसाय। जग में होत हसाय यानी कि क्या रे, पूरा जग उसके ऊपर हंसता है। आगे की पंक्ति क्या है देखो, जग में होत हसाय चित्त में चैन न आवे, यानी कि पूरा जग हंसता है। चित्त यानी कि क्या रे, मन। चैन यानी कि शांति। देखो बिना सोच विचार किए हुए हम कोई भी काम करते हैं, जब उसमें असफलता आती है तो सभी लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे, हंसेंगे, तो उस वक्त हमारे मन को शांति नहीं मिलती, मन को शांति नहीं मिलती। समझ में आ गया, चित्त में चैन न आवे, मन को शांति नहीं मिलती। आगे देखते हैं देखो, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, यानी कि बिना सोच विचार किए हुए काम यदि कोई बिगड़ जाता है तो उस वक्त हमारे मन को शांति नहीं मिलती, हमें खाना पीना सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मान सम्मान जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ राग रंग यानी कि नाच गाने के लिए कोई बुलाने के लिए आए लेकिन हमारा काम बिगड़ गया है तो उस वक्त हम जाते हैं क्या रे, नहीं। राग रंग मन ही न भावे, यानी कि कोई भी काम यदि बिना सोच विचार किए हुए हम करते हैं और उसमें असफलता आती है तो उस वक्त हमें खान पान मान सम्मान राग रंग कोई भी मन को अच्छा नहीं लगता, यानी कि ये कार्य करना अच्छा नहीं लगता। कह गिरिधर कविराय
दुख कछु टरत न टारे। कछु टरत न टारे यानी कि क्या रे, मन में खटकना। यानी कि देखो कोई भी हम बिना सोच विचार के हुए यदि काम करते हैं तो वह मन में जो दुख होता है वो तुरंत ही हटता है क्या रे, नहीं हटता। तो इसका अर्थ क्या है, देखो कवि गिरिधर लाल जी कहते हैं जो असफलता आने के बाद यानी कि बिना सोच विचार किए हुए जो काम करते हैं तो उसका परिणाम विपरीत आता है, तो उस वक्त वह मन में खटकता रहता है, बार बार बुरा लगता है। आगे की पंक्ति क्या है, देखो खटकत है जिय माही। जिय यानी कि क्या रे, दिल में। माही यानी कि क्या, में। यानी कि जो असफलता ही है बिना सोच विचार किए हुए काम की तो उस वक्त वह दिल में क्या होती है, खटकती रहती है। कियो जो बिना विचारे, बिना सोच विचार किए हुए जो हम काम करते हैं तो उस वक्त पछताना पड़ता है। समझ में आ गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे अपनो जग में हो थासाय, जग में हो थासाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, क गिरिधर कवि राय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। क्योंकि बिना सोच विचार किए हुए यदि हम काम करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है, काम हमारा बिगड़ जाता है, जगत में हंसी हो जाती है, मन को शांति नहीं मिलती, खान पान मान सम्मान राग रंग मन को वह भाते नहीं है, यानी कि अच्छे नहीं लगते। कवि गिरिधर लाल कहते हैं असफलता आने के बाद मन में वह हर वक्त खटकता रहता है, तो यह दिल में रहने के कारण। इसलिए कवि कहते हैं कि जो हम काम करते हैं तो वह पहले सोच विचार करके करना चाहिए। समझ में आ गया इसका अर्थ क्या है। मेरा मानना है कि यह जो कुंडली है इसका अर्थ आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ होगा। आगे की जो कुंडली है, बीती ताही बिसारी दे, यहाँ से लेकर समुझ समझू बीती सो बीती, यहाँ तक जो कुंडली है उसका अध्ययन हम अगला जो वीडियो है उसमें देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।